अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो पहली मेरी अनबॉक्सिंग वीडियो, लेकिन ये जस्ट अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है। इसके साथ मैं आपके साथ अपने यूट्यूब के जितने टूल्स आज तक मैंने यूज़ किए हैं वो सब मैं शेयर करूँगा, और मैं कैसे वॉकटूबर वीडियो बनाता था, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन किया था लास्ट टाइम कि मैं कौन सा मोबाइल यूज़ करता हूँ, कौन सा कैमरा यूज़ करता हूँ। तो बहुत से लोगों का ख्याल था कि मैं गोप्रो यूज़ करता हूँ, लेकिन मैं आज आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगा कि मैं कौन सा कैमरा यूज़ करता था, अब मैं कौन सा कैमरा यूज़ करने जा रहा हूं। और आज की जो वीडियो है वो है, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ये है जी आईफोन 13 प्रो मैक्स, और जो इसकी मेमोरी है वो 512 GB है। जो मेरा इरादा था वो था 1 TB का, लेकिन स्टॉक नहीं था तो कोई चॉइस नहीं। तो चलिए पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ठीक है, सिम कार्ड, ठीक है। तो जी ये कलर है, ये इसका रैप। इसको ऑन होने तक, अच्छा ये ऑन हो जाए तब तक मैं दिखा दूँ इसके साथ क्या है। इसके साथ और कुछ भी नहीं है, जस्ट ये केबल आई है। ठीक है, तो आईफोन के साथ एक इशू ये है कि वो जूजू नया मॉडल आता है तो उसमें चीज़ें कम होती रहती हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने ये फ़ोन लिया था जिस पे ये वीडियो बनी है वो है आईफोन 8 प्लस, वो इस बॉक्स में आता था, और जिसमें चार्जर, हैंड फ्री और फ़ोन, कुछ प्रोटेक्टर भी थे, ये देखें ये सब। लेकिन आईफोन जब तरक्की करता है तो वो चीज़ें कम कर देता है। तो अभी ये केबल मिल रही है, शायद नेक्स्ट में आपको केबल भी ना मिले। तो अभी इसकी प्राइसिंग भी चलते हैं। तो जी, तो प्राइसिंग पे इसकी ये है कि जी ये मिला है, अगर मलेशियन रिंगिट की बात की जाए तो 6700 में, जो कि ऑलमोस्ट 1600 US डॉलर और पाकिस्तान के 2,80,000 इस तरह। और इसके साथ मैंने इंश्योरेंस करवाई थी एक साल की, जिसमें मुझे इस चीज़ की गारंटी इन केस अगर मैं ये फ़ोन मुझसे गिरता है, इसकी कोई चीज़ टूट जाती है, तो वो मुझे रिपेयर करके देंगे या वो मुझे डिवाइस चेंज करके देंगे। तो वो एक साल की इंश्योरेंस थी 350 रिंगिट की, जो कि 83 डॉलर बनते हैं और पाकिस्तान के तकरीबन 14-15 हज़ार। तो मुझे अपने आप पे पूरा ट्रस्ट है, तो इसलिए मैंने वो इंश्योरेंस भी ले ली। और अभी केबल आ गई, लेकिन इसको अब चार्ज कैसे करना है, आप हर टाइम तो लैपटॉप के साथ चार्ज नहीं कर सकती या PC के साथ, तो उसके लिए ये अडॉप्टर सेपरेट से लेना पड़ता है, जिसकी ओरिजिनल प्राइस जो थी वो 190 रिंगिट थी, जो कि ऑलमोस्ट कितने 45 डॉलर, लेकिन वो मुझे डिस्काउंट करके दिया है उन्होंने तकरीबन 26 डॉलर का, फिर भी जो पाकिस्तान के 4,600 रुपये। इसको खोल के देखने के, इसको मैंने अभी तक खोला नहीं, खोलता भी कैसे। हाँ तो देखते हैं जी हमने किस चीज़ कितने डॉलर दिए हैं। तो जी 26 US डॉलर फॉर दिस, ओनली फॉर दिस। और इसके साथ कोई हैंड फ्री नहीं, कोई एयरपॉड नहीं, आपने हैंड फ्री सेपरेट से लेनी है, वो आपको लेनी पड़ेगी तकरीबन 100 रिंगिट, ऑलमोस्ट 25-26 डॉलर। ठीक है, तो ये थी। और इसके साथ, अच्छा अभी बात कर लेते हैं मैं इससे पहले कौन सा फ़ोन यूज़ करता, जिस ये जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो उसी फ़ोन पे रिकॉर्ड हुई है जिस पे मैंने आज तक अपनी जितनी भी वीडियो है सारी बनाई है, वो है आईफोन 8 प्लस। ठीक है, और जब मैं वॉकटूबर की वीडियो बनाता हूँ तो अपनी वीडियो को स्मूथ करने के लिए मैंने जो गिम्बल यूज़ किया था वो है स्मूथ 4। ठीक है, इस गिम्बल की सबसे अच्छी जो बात है वो है इसकी बैटरी टाइमिंग। मैं आपको ये गिम्बल भी दिखा देता हूँ, इनकेस कोई सोच रहा है कि वो कौन सा गिम्बल ले, तो मैं ये गिम्बल रिकमेंड करूँगा अगर आपने माइक यूज़ नहीं करना। अगर आपने आईफोन के साथ माइक यूज़ करना है तो आपको ये गिम्बल लेने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप ये गिम्बल है, जब आप इधर फ़ोन लगाएंगे तो आपकी ये जो पॉट है, ये पॉट वो इधर आ जाएगी और इससे ब्लॉक हो जाएगी, तो आप माइक वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सबसे अच्छी जो बात है, इनकेस आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप बार बार ऑन और ऑफ़ करने की ज़रूरत नहीं, आप इसको जस्ट ऐसे कर दें तो ये स्टैंड बाई मोड पर लग जाएगा। इसको ऑन करता हूँ, ये इस पर इसको स्टेबल करने, इसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा कि जिसमें मैं आपसे इसको कैसे यूज़ करना है, उसकी मैं जो भी है मेरे पास जितना नॉलेज है मैं शेयर कर सकूँ।
वैसे अगर बैटरी टाइमिंग की बात की जाए और वीडियो स्टेबिलिटी की बात की जाए, स्मूथ फोर ज़बरदस्त है, बेस्ट गिम्बल है। और इसको जब मैंने लिया था, इसकी कीमत थी तकरीबन $100 आई गेस, हाँ $100 थी, जिसमें मुझे साथ में एक ये माइक मिला था, बोया M1 ऐसे ही, ये भी कुछ इसको मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। और इसके साथ ये एक स्प्लिटर था, स्प्लिटर आप अगर इसके साथ यहाँ पे अटैच कर देते हैं इस चीज़ के साथ, तो आप एक एक टाइम पे LED लाइट और माइक एक साथ यूज़ कर सकते हैं व्लॉगिंग के लिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका माइक यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, आप इसको यूज़ नहीं कर सकेंगे, आपकी गिम्बल स्टेबल नहीं रहेगी। इसको टर्न ऑफ कर दूँ कौन जी। तो इसके साथ ये माइक है, ये माइक था, इसको अभी मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं अगर कभी इंटरव्यू लिए तो अभी इस माइक को यूज़ करूँगा। ये इसके साथ इसकी केबल, और ये केबल मैंने सेपरेट ली थी इन केस आपको एक लॉन्ग केबल चाहिए माइक के लिए, तो ये है। और चलें, ये थी आज की वीडियो। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने ये कलर क्यों चूज़ किया, तो इसका आंसर है कि नो चॉइस, ये लास्ट पीस था 512 में, तो कोई चॉइस ही नहीं, लेना है तो यही लेना है। और इसके अलावा पहले तो ये भी लास्ट पीस था, इसके अलावा वो जो कलर थे वो थे 256 GB में, कि जो मैंने लेना नहीं था ऑलरेडी, क्योंकि यूट्यूबर को बड़ी ज़्यादा मेमोरी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय। और हाँ, मैं वीडियो के एंड में कुछ इसके क्लिप ऐड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि इस कैमरे में और इस कैमरे में क्या फ़र्क है, और अपग्रेड करने का फ़ायदा है कि नहीं है।